हेलो गाइस, मैंने एक नई हेडफोन मंगाई थी वायरलेस बीटी वाली, तो हिटेज की है वो और उसकी एम आर पी 600 रुपीज़। तो मुझे तो ये सबसे बेस्ट ईयरफोन लगी। इसकी 26 आवर्स का बैकअप है, मतलब 26 आवर्स इसको आप लगातार यूज़ कर सकते हैं। इसका बैटरी काफ़ी सही है। चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मुझे मिला है इसका थोड़ा सा 4-5 कवर्स और साथ ही में मिला है एक यूएसबी केबल, काफ़ी सही यूएसबी केबल। और ये फाइनली हमारा आता है यहाँ पास ईयरफोन, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा देखने में। इसका लुक भी काफ़ी सही है और इसमें वो मैग्नेटिक जॉइंटर भी लगा हुआ है सभी ईयरफोन्स की तरह, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये रहा बक्सा और बाकी अभी इन सबको हम साइड में रखते हैं और सारा सामान बीच में ला के रखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं, एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो मुझे तो ये देखने में काफ़ी सही लग रहा है और इसमें यहाँ से ऑन होता है इस बटन से, जैसे आप देख सकते हो उसको होल्ड किए रहेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लाइट जल रही है, तो ऐसे ये ऑन होता है। और अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसे कनेक्ट करते हैं। तो आइए पहले हम लोग ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पास अगर कनेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पर रेड लाइट जलने लगती है पीटी में। बाकी ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पास मैं बगल में आपको स्क्रीन दिखा सकता हूँ। यहाँ पास आप जैसे ही ब्लूटूथ खोलेंगे तो इस बीटी का नाम है सर्च करने पर आता है, तो यहाँ पास मैं सर्च करता हूँ और ये थोड़ा सा लोड होगा और ये NBT91949 आ चुका है, तो यही है और ये अब कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे कि इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, मैंने टेस्ट करके देखा है, तो यहाँ से फुल है मेरा भी। तो अब इसको हम फिलहाल बंद करते हैं। ये बढ़िया चॉइस है, आप इसको खरीद सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी यहाँ से ऑफ हो जाएगा अगर होल्ड किए रहेंगे तो। अभी देखिए जैसे ऑन हो गया ये वापस, वैसे ही ऑफ ऑन होता है, तभी हम लोग ब्लूटूथ को जो है बंद करके फिर इसको ऑफ करेंगे तभी ऑफ हो जाएगा। तो यही था, ये मुझे काफ़ी सही लगा। हो सके तो अगर आपको 600 के अंदर एक वायरलेस बीटी चाहिए तो आप ये रिकमेंड मैं इसको करूँगा आपको कि आप ये खरीद लें, ये काफ़ी सही ईयरफोन है। तो चलिए सब कुछ साइड में रखते हैं और थैंक यू, मिलते हैं।